हमने फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का टॉपिक शुरू कर रखा है और जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसमें जो वुमेन की फ्रीडम है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो हम जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का जो टॉपिक कर रहे हैं इसमें बहुत सारे वर्क आते हैं जिसमें जो राइटर हैं वो अपने जो नॉवल है उसके थ्रू जो अपने आवाज़ है उसको उठाते हैं। उनमें से एक जो हमारा नॉवल है वो है द गोल्डन नोटबुक बाय डोरिस लेसिंग। जो डोरिस लेसिंग है इसमें जो उसका नॉवल है द गोल्डन नोटबुक उसमें उसने फ्री वुमेन का एक कंसेप्ट शुरू बताया है। जो फ्री वुमेन का जो कंसेप्ट है उसमें एक इंडिपेंडेंट जो वुमेन है उसके बारे में बताया गया है कि जो एक वुमेन है उसकी लाइफ में बहुत सारी जो बाउंड्रीज होती हैं बहुत सारी लिमिट्स होती हैं लेकिन वो उसको क्रॉस कर देती है तो वो एक कंसेप्ट को प्राप्त करती है जो कि फ्री वुमेन का कंसेप्ट होता है। इसमें उसको आज़ादी मिलती है और वो सिर्फ आज़ादी उसको मैरिड मतलब कि उसको मैरिटल जो लाइफ है उससे ही नहीं बल्कि वो सेक्सुअल लाइफ के बारे में भी इस नॉवल में बहुत ज़्यादा बताया गया है। तो वो एज ए डाइवर्स्ड वुमेन उसने डाइवर्स ले रखा है एज ए डाइवर्सी उसने डाइवोर्स ले रखा है लेकिन वो अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है और इस नॉवल में इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो फ्री वुमेन का कंसेप्ट है और इसमें उसने जो एना वुल्फ है उसकी लाइफ के बारे में बताया है और इन सब पॉइंट्स को बताते हुए उसने फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में लिखा है। तो ये जो हमारा गोल्डन नोटबुक है इसके लिए मैंने तीन जो हमारी जो वीडियोज हैं वो बनाने की सोची है। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं इसके करेक्टर्स के बारे में और जो बुक जो है ना वुल्फ है उसने अपनी जो बुक लिखी है उनके बारे में और इसमें फ्री वुमेन का जो कंसेप्ट है उसके बारे में और हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसमें करेक्टर कौन कौन से हैं, इसमें करेक्टर है जो इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है वो है एना वुल्फ। एना वुल्फ जो है वो इस नॉवल की जो गोल्डन नोटबुक है इसकी प्रोटैगनिस्ट है और वो एक राइटर है और इस सारे के सारे जो नॉवल है उसकी प्रोग्रेस एना वुल्फ के चारों तरफ होती है। फिर उसकी फ्रेंड है उसका नाम है मोली जैकोब्स। जो मोली जैकोब्स है ये एना की रूममेट्स है। इन दोनों की जो रिलेशनशिप है मैन के साथ उनके बारे में बताया गया है। माइकल ये एक लवर है किसका, एना वुल्फ का। एना वुल्फ लगभग 5 साल तक माइकल के साथ रहती है। वो उसने अपने पति से डाइवोर्स लेने के बाद वो माइकल के साथ रहती है। माइकल के साथ वो 5 साल रहने के बाद वो अपनी जो सेक्सुअल लाइफ उसके बारे में बताती है और जब वो माइकल से अलग होती है तो उसके बारे में बताती है कि वैसे तो वुमेन है वो फ्री रहना चाहती है वो अपनी लाइफ को फ्री जीना चाहती है लेकिन मैन के साथ तो उसकी जो अटैचमेंट है या उसकी डिपेंडेंस जो है वो बनी रहती है। फिर उसने इला और जूलिया जो दो करेक्टर हैं वो प्रेजेंट करे हैं और ये जो इला और जूलिया है इसमें ये इस जो ये करैक्टर हैं इला और जूलिया इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ये कैसे करैक्टर हैं लेकिन इसके जो नॉवल है इसको पढ़ने के बाद मुझे जो समझ में आया है जो इला और जूलिया है ये एक फिक्शनल करैक्टर हैं जो एना वुल्फ ने जो फ्री वुमेन का जो कंसेप्ट नहीं दिया है जिसमें हीरोइन का जो जो हीरोइन का जो रोल प्ले कर रही है वो एला है। तो एला और जूलिया जो ये फिक्शनल करेक्टर हैं जो एला है वो हीरोइन है जो उसका नॉवल है फ्री वुमेन का जो कंसेप्ट है उसमें वो हीरोइन है। और शोल ग्रीन जो है ये अमेरिकन लवर है किसका, एना वुल्फ का ही लवर है शोल ग्रीन। इसके बारे में भी उसके रिलेशनशिप के बारे में बताया गया। और स्टीवन ये उसका हर हस्बैंड है। जो ब्लैक नोटबुक होती है वो रोडेशिया में जाती है, रोडेशिया में एक टोबैको मर्चेंट के साथ उनकी शादी हो जाती है। तो वहाँ पर जिसके साथ उसकी शादी होती है उसका नाम स्टीवन है, वो उसका हस्बैंड है। तो यहाँ पर हमें इन करेक्टर्स के बारे में पता चला। अब हम उसकी जो नोटबुक है उनको देख लेते हैं। तो उसकी जो पहली नोटबुक है द ब्लैक नोटबुक, ये जो ब्लैक नोटबुक है एज ए राइटर उसमें प्रेजेंट किया गया है एज ए राइटर वो किन किन स्ट्रगल को देखती है उसके बारे में बताया गया है और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल इवेंट्स है उसके बारे में ब्लैक नोटबुक में बताया गया है। फिर उसके बाद है रेड नोटबुक। रेड नोटबुक में भी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बता रखा है। जो एना वुल्फ थी वो एक फ्री वुमेन थी, वो सिर्फ घर की चार दीवारी में रहने वाली नहीं थी बल्कि वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो होती है उसमें भी एक्टिव थी। तो उसकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बता रखा, वो कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में रेड नोटबुक में पता चलता है। फिर उसके बाद है येलो नोटबुक। जो येलो नोटबुक है उसमें जो एना के जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में पता चलता है। एना के रिलेशनशिप माइकल के साथ, उसके जो फ्रेंड है सोल ग्रीन उसके साथ, और इसके साथ साथ जो उसके फिक्शनल करेक्टर हैं इला और जूलिया उनके रिलेशनशिप के बारे में भी हमें येलो नोटबुक में मिलता है पता चलता है।
उसके बाद आते हैं अपनी ब्लू नोटबुक। ब्लू नोटबुक में क्या होता है, जो ब्लू नोटबुक में माइकल जो है वो एना को छोड़कर चला जाता है तो मेंटल ब्रेकडाउन से गुजरती है, उसके बारे में बताया गया है। और जो गोल्डन नोटबुक है, इसमें जो हमारी चारों की चारों जो बुक हैं, ब्लैक नोटबुक, रेड नोटबुक, येलो नोटबुक, ब्लू नोटबुक, इनका एक कंक्लूजन की तरह इसको प्रेजेंट किया गया है। एंड्स विद रियलाइज एंड यूनियन रिन्यूड क्रिएटिविटी, और इसमें क्या रिन्यूड क्रिएटिविटी, उसकी जो क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा विकसित हो गई थी। तो उसमें फ्री वुमेन का जो कंसेप्ट है और जो उसने अपनी लाइफ में जो अचीव किया उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो चारों की चारों जो बुक है, इसमें उसकी पर्सनल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ एज ए राइटर, उन सब लाइफ्स के बारे में बताया गया है। तो गोल्डन जो नोटबुक है, इसमें उसका कंक्लूजन प्रेजेंट किया गया। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ फ्री वुमेन, जो डोरिस लेसिंग है उसने फ्री वुमेन का कंसेप्ट दिया है कि एक जो वुमेन है वो अपने हस्बैंड से अलग होकर भी अपनी जो लाइफ उसमें फ्री रह सकती है, वो अपने जो बच्चे की जो जिम्मेवारी है उसको वो निभाती है और अपनी लाइफ को वो फ्री वे में जीती है, और वो अपनी लाइफ को फ्री वे में जीते हुए जो अपनी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं उनको पूरा करती है। तो फ्री वुमेन का कंसेप्ट इसमें दिया गया है। उसके बाद जो पॉलिटिकल इवेंट्स डोरिस लेसिंग ने दिए हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो पॉलिटिकल इवेंट सबसे पहले उसके ब्लैक जो ब्लैक नोटबुक है उसमें दिया गया है। तो इन दिस बुक, जो ब्लैक नोटबुक है, इसमें वी लर्न दैट, हमें यहाँ पता चलता है अबाउट द कम्युनिस्ट रशियन डिसोवनिंग वार, जो रशियन डिसोवनिंग वार उसके बारे में पता चलता है। हिटलर अटैक्ड रसिया, कंसिक्वेंटली इट लेड टू डिस इंटीग्रेशन एंड स्प्लिट इन द कम्युनिस्ट पार्टी। जो हिटलर है उसने रसिया के ऊपर अटैक कर दिया था और इसके साथ साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी डिवाइड हो जाती है। तो इसके बारे में हमें पता चलता है। एना कम टू रोडेशिया इन 1938, जो हमारी ब्लैक नोटबुक है इसी में इसके बारे में पता चलता है कि जो एना है वो रोडेशिया में 1938 में आती है टू मैरी एंड टोबैको फार्मर, और यहाँ पर उसके जो टोबैको फार्मर है उसके साथ शादी हो जाती है, जिसका नाम क्या स्टीवंस है। शी बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी, मैंने आपको बताया था कि वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थी, तो वो एक मेंबर बन जाती है कम्युनिस्ट पार्टी की। और रेड नोटबुक में शोज द ग्रेजुअल डिसचैंटमेंट विद मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म के साथ उसके जो लगाव है उसके बारे में हमें पता चलता है। दिस बुक कैप्चर द पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ द कोल्ड वार ईरा, और इसमें कोल्ड वार ईरा का जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, जो टाइम पीरियड है उसके बारे में भी पता चलता है। तो इस वीडियो में मैंने इस नॉवल के जो मेन पॉइंट्स थे, करेक्टर्स थे, उनके बारे में बताया है। इसकी जो डिटेल वीडियो है, इसका जो प्लॉट है, उसके बारे में मैं जो दो वीडियोज़ हैं वो भी प्रेजेंट करूँगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।